press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर के यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक और नई जॉब की नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, ये विज्ञापन है नोटिफिकेशन का, जिसमें आप ये देख सकते हैं दिनांक 19/9/2019 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन के नंबर हैं जो आप आसानी के साथ इसके ऊपर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी आपने आवेदन करना है वो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टोटल 156 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, पोस्ट का नाम है जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों की। इसमें ये नीचे पहली पोस्ट है दोस्तों, नॉन TSP क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए ये बताया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 145 पद हैं जो नॉन TSP क्षेत्र के उम्मीदवार हैं उनके लिए, जिसमें से कैटेगरीज वाइज ये अलग अलग दे रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे रखा है, उसको डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लें। टोटल पद 145 हैं दोस्तों। इसमें क्षैतिज आधार के ऊपर भी आरक्षण दिया गया है, जिसमें निःशक्तजन को कुल 6 पद हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 पद इसमें है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, नंबर 2 है TSP क्षेत्र के पद, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 11 हैं जो कैटेगरीज वाइज ये अलग अलग वैकेंसी दे रखी हैं। इसके अंदर भी निःशक्तजन के कुल 1 पद है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 1 पद इसमें भी निर्धारित किया गया है। आप दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो उम्मीदवार लॉ ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा, साथ में दूसरे नंबर पर है दोस्तों, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट नॉलेज और राजस्थानी कल्चर का उसको ज्ञान होना चाहिए तो उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो प्रावधान है वो ये है कि अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित छात्र हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो तो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। दोस्तों, रनिंग पे बैंड वेतन दिया जाएगा लेवल 10 का, जो कि जिसमें ग्रेड पे 3600 रुपये। दोस्तों, राज्य सरकार के नियम अनुसार परीक्षा काल के नियत मासिक वेतन यानी फिक्स फी होगा, यानी जब राज्य सरकार का जो नियम है उस आधार पर आपको वेतन फिक्स किया जाएगा। आगे दोस्तों, आयु सीमा आप देख सकते हैं दिनांक 1/1/2020 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, सरकार की तरफ से आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंदर नंबर 1 है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को इसमें 5 साल की छूट दी गई है। नंबर 2 है दोस्तों, सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS उम्मीदवारों की जो महिला है उनको भी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। दोस्तों, नंबर 3 है राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवारों को इसमें 10 साल की छूट दी गई है। और दोस्तों, आगे है विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला, इनको अधिकतम आयु सीमा कोई लागू नहीं है। विधवा जो महिला है वो कितनी भी उम्र में इस जॉब के लिए आवेदन कर सकती है। फ्रेंड्स, यह आप देख सकते हैं आवेदन की अवधि, आप आवेदन दिनांक 28/9/2019 से दिनांक 25/10/2019 रात को 12 बजे तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, आप विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये विभाग की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के जो क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 350 रुपये।
दोस्तों नंबर दो पे है राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए आवेदन शुल्क रहेगा 250 रुपये। और नंबर तीन पे दोस्तों समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये से कम है उन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रहेगा 150 रुपये। दोस्तों अगर आप इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये विभाग की वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये विभाग के दूरभाष नंबर हैं जिनके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।